नमस्कार। मेष राशि पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव हमारे जितने सब्सक्राइबर दर्शक भाई बहन बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से तैयार किया गया है। खास खास बातें सुनेंगे तो आपके काम आएंगी और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। और आप लोग सब बुद्धिजीवी, बहुत शिक्षित, बड़े गुणवान, बुद्धिमान, धनवान सब लोग बड़े प्यार से इस बात को सुने। मेष राशि पर इस समय मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल होकर चल रहा है 12 जुलाई तक। आपको किसी भी प्रकार के कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव बिल्कुल झेलना नहीं है, कष्ट होगा ही नहीं है। लेकिन मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ती है, जैसे आपके माता का स्थान है, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी का स्थान है, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गाड़ी आदि का स्थान है, घर में बिजली से संबंधित समस्याओं का स्थान भी वही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसलिए थोड़ी बहुत समस्या 12 जुलाई तक तो इस प्रकार की रहेंगी, लेकिन मेष राशि सुरक्षित रहेगी। आपके द्वारा जो उत्पन्न समस्या है उनकी चिंताएं लगी रहेंगी, आपके द्वारा उनका निराकरण होगा, इसलिए आपको व्यस्त रखेगा यह ग्रह। साथ ही साथ खुशियों का समाचार यह है कि चतुर्थ भाव में 29 जून को जब बुध आ जाएंगे, बुध कर्क राशि में, तो आपके लिए शुभ फल देंगे। और बात और भी अधिक सुंदर और शुभ बात क्या है, 6 जुलाई को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपके घर में अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र, अच्छी बेडशीट, अच्छी सजावट, सब कुछ होगा। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके रखना है, क्योंकि उसमें क्लेश ना हो, लेश मात्र भी क्लेश ना हो। क्यों? क्योंकि मंगल आपके अध्यात्म के अनुसार, ज्योतिष के का जो अध्यात्म है वो क्या कहता है, मंगल की दाम्पत्य जीवन स्थान पर दृष्टि होती है तो कलह होता है परिवार में। इसके अलावा आपकी इनकम कभी से कम नहीं हो रही है और ना होगी। रिसोर्सेज ऑफ इनकम यानी के आय के स्रोत, आय के साधन, इनकम के तौर तरीके बढ़ेंगे। जो आदमी नौकरी भी करता है तो तनख्वाह तो उतनी होती है, लेकिन उसके एफर्ट्स या किसी अन्य कारणों से मनुष्य धन का लाभ करता है। लाभ स्थान का स्वामी, कई बार इंक्रीमेंट मिल गया या बोनस मिल गया, तनख्वाह में, वेतन में इजाफा होगा, बेहतर होगी जिंदगी आपकी, सुख मिलेगा, रात को अच्छा सोएंगे, कोई डल्लब का गद्दा खरीदेगा तो कोई डबल बेड, कोई टीवी लाएगा, सांसारिक सुख, लग्जरियस चीजें जो सुख और साधन अच्छे देती है, कोई परफ्यूम खरीदता है, खुशबूदार चीजें, तो सुख देने वाला शुक्र जब चतुर्थ भाव में होगा तो ये भी आपको सुख देगा। और नई बात और महत्वपूर्ण क्या है, 80% लोगों की समस्या भारत के अंदर रोजगार को लेकर है। मेरा आप जी सारे कमेंट पढ़िए सबकी, मेरे को गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, भाई आपकी योग्यता कैसी है, आप डिजर्व करते, कितना आप उसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी है भारत में, कैसी शिक्षण व्यवस्था है और किस प्रकार की परीक्षाएं भारत में हो रही हैं। आज बहुत बड़ा धक्का, 50 लाख लोगों से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से अधिक निराशा को लेकर के, यानी कि एग्जाम को लेकर के जो निराशा हुई है, या एग्जाम कैंसिल हुए हैं, या जॉब, वो एग्जाम क्यों देते हैं,
कि कल को अच्छे एडमिशन हो, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी मिलेगी। और विदेश में वो बच्चे जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके जो डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं क्रीम, उनको क्रीम है, क्रीम छांटते हैं कंपनियां। और मजे की बात तो यह है कि आपको आश्चर्य होगा, कुछ लोग यहां से अमेरिका जाते हैं, वहां इलाज अच्छा होगा जी, अमेरिका जाते हैं या इंग्लैंड जाएंगे। याद रखना, जब वहां ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होगा वो इंडिया का ही होगा, नोट कर लेना मेरी बात। एक ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, एक डॉक्टर यहां भारत में रिजेक्ट कर दिया किसी लड़के को, वो विदेश चला गया, उसी डॉक्टर ने जिसने रिजेक्ट किया वो बीमारी के कारण अपना स्टंट वाल्व या ओपन हार्ट सर्जरी या जो भी बीमारी के लिए जब वहां गया तो देखा वही लड़का वहां ऑपरेशन करने वाला मिला, वो देख करके चौंक गया, सर आप यहां कैसे। तो मेन चीज क्या है, अभी जो सुख और वैभव और तरक्की मिलने वाली है वो मेष राशि को मिलेगी। इतनी जो स्टोरी डॉक्टरों की सुनाई है मैंने, वो इसलिए बताई है कि दशम भाव में जो शनि का अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव लाभ भाव में भी और दशम भाव में भी मिलेगा, तो दोनों हाथों में लड्डू होंगे। इधर जाओगे तो भी अच्छा रेस्पॉन्स, इधर जाओगे तो भी। इलेवंथ और टेंथ हाउस के बीच में जो कंपटीशन है, सुख देने का कंपटीशन, और दे कौन रहा है, अपनी राशि को शनि। यहां भी सुख और वहां भी सुख, दोनों तरफ देगा दशम और एकादश भाव में। इसीलिए गम करने की, दुखी कर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सुख, वैभव, मान सम्मान और आपके जीवन में सुख सुविधाएं देने वाले ग्रह चल रहे हैं। सिर्फ एक ग्रह की बात करते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, या कोई और आइटम होगा तो हम आपको बताएंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल 12 जुलाई को आएंगे। अपनी वाणी का के ऊपर संयम रखना, झगड़ा नहीं करना। जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ेगा, और जो जो बड़े लोग हैं उनको अपनी संतान की चिंता रहेगी, कुछ बीमारी, संतान के लिए कष्ट, चिंता, पेट का रोग, बुखार। और रिस्क वाला काम आपको या आपकी संतान को नहीं करना चाहिए, ये बात कह रहा हूं मैं मेष राशि के लिए। अब एक दोहा सुन लीजिए, उस दोहे की पुष्टि करता हुआ राहु, बसे बुराई जासू तन, जिस आदमी के या जिसके अंदर भी बुराई रहती है, जिसके अंदर, ताही को सन्मानो, उसी को सम्मान मिलता है संसार में, जिसके अंदर बुराई है। देखिए ध्यान से सुनना, जो बुरे लोग हैं उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये बड़ा गुंडा है, माफिया है, कहीं ऐसा ना मरवा दें, तो लोग हर सड़क पर, चौराहे पर उसको नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते बाबूजी। चाहे बिहार हो, यूपी हो, कलकत्ता हो, बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कहीं भी देखो, जो सबसे बड़े बदमाश होंगे उनको लोग नमस्ते करते हैं कि ये काम आ सकता है कभी, या अगर मैं इसको नमस्ते करूंगा ये मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। बसे बुराई जासू तन, वाही को सन्मानो, उसी को रेस्पेक्ट मिलती है। और दूसरी लाइन क्या है, भलो भलो करी छाड़िए, भलो भलो, अच्छे अच्छे आदमी है यार, ये तो बहुत शरीफ आदमी, ये कुछ नहीं कहेगा, इसे नमस्ते करो ना करो चलेगा, रेस्पेक्ट दो ना करो चलेगा, भलो भलो करी छाड़िए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। खोट ग्रह जप दानु, जो खोटे ग्रह हैं, जो कष्ट देते हैं, उनका जप और दान सब करते हैं मेष राशि के लिए। ये जो दोहा मैंने सुनाया है इसलिए प्रस्तुत किया है कि आपके द्वादश भाव में राहु चल रहा है, तो उपाय क्या है इसका, अपना कोई जूता, चप्पल या कोई कंबल
सॉक्स या रसगुल्ला, ब्राउन कलर की मिठाई जिसको गुलाब जामुन भी बोलते हैं, या कोई बर्फी हो, चॉकलेट हो, ब्राउन कलर, क्योंकि राहु का जो कलर है वो ब्राउन है, उसका दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जो भिक्षा लेने घर द्वार पर आ गया या कहीं बैठा है, उसको दें, जिसको आवश्यकता है, जो मांगता है आपसे। और साथ ही साथ आपके घर का जो वायव्य कोण है वहां आपके बच्चों को शयन करना चाहिए, और नैऋत्य कोण राहु का स्थान है आपके घर में, वहां पर आप बड़े बड़े बक्से, भारी सामान, लोहे के सामान, सिलेंडर या कोई ऐसी भारी वस्तुएं रखें जिससे कि वास्तु दोष ना हो, ईशान कोण में बाथरूम ना हो, ईशान कोण में पुष्प के पौधे, सुगंधित द्रव्य, तुलसी, ये सब स्थान होना चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं 40% से ज्यादा लोगों के घरों में ईशान कोण में शौचालय बने हुए हैं। तो लोग बोलते हैं जी मजबूरी है, यहां से हम हटा नहीं सकते, कहां जाएं, शिफ्ट नहीं कर सकते। भाई शिफ्ट नहीं करते कर सकते तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। वास्तु दोषों के कारण घर में कई प्रकार की व्यवधान, परेशानी, तनाव, चिंता, रुकावट, वंश ना चलना, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तथा आमदनी नहीं हो रही है, आय के स्रोत कम हो गए, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे या उन्नति रुक जाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।